नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मेडिकल में कोवैक्सीन खत्म, जवान के घर से 1,50,000 रुपए का माल चोरी, 3 विमाने रद्द हुए। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। मेडिकल में कोवैक्सीन खत्म, मेडिकल अस्पताल में कोवैक्सीन दी जा रही है। 3 दिन पहले मेडिकल में 1,500 कोवैक्सीन के डोज दिए गए थे, जो मंगलवार शाम तक खत्म हो जाने से एक बार फिर वैक्सीनेशन बंद किया गया। 9 अप्रैल को नागपुर विभाग के लिए कोवैक्सीन के 55,360 डोज आए थे। इसमें नागपुर जिले के लिए 22,360 डोज दिए गए। 11,360 में से मेडिकल में सिर्फ 1,500 डोज दिए गए। इसके चलते ही वैक्सीन की कमी आने की जानकारी मिल रही है। तो वही दूसरी ओर जवान के घर से 1,50,000 रुपए का माल चोरी। न्यू कामठी थाना अंतर्गत सेवानिवृत्त जवान के घर से चोरी हो गई। किसी ने नकदी और आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपी का कोई सुराग नहीं मिला है। कामठी रोड न्यू एरखेड़ा स्थित पेटे लेआउट निवासी अरविंद कुमार बघेले सेवानिवृत्त जवान है। अरविंद कुमार की पत्नी बीमार है, उसे निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अरविंद कुमार बच्चियों को परिचित के घर छोड़कर पत्नी की देखभाल करने अस्पताल गए हुए थे। किसी ने मौका पाकर रविवार और सोमवार की रात ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया और अलमारी से 1,700 रुपए नगद और सोने चांदी के आभूषण, इस प्रकार ऐसे कुल 1,54,800 रुपए का माल चुरा लिया। संबंधित थाने में उपनिरीक्षक वारंगे ने प्रकरण दर्ज किया है। अभी तक आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिला है। आरोपी की तलाश में फुटेज खंगाले जा रहे हैं। तो वही तीसरी ओर 3 विमान रद्द हुए। नागपुर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल पर मंगलवार को आने वाले 3 विमान रद्द हो गए। विमानतल प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार की सुबह 7:25 पर मुंबई से आने वाली गो एयर की फ्लाइट क्रमांक G8260 सुबह 11:05 पर पुणे से आने वाली गो एयर की फ्लाइट क्रमांक G8283 व रात 11:50 पर मुंबई से आने वाली इंडिगो की फ्लाइट क्रमांक 6E936 रद्द हो गई। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।